कॉलोनी के छात्र की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, जिस पर सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि ऐसा सदियों से शोषित पीड़ित दलित समाज जिसमें आज़ादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी उच्च शिक्षा नाम मात्र की ही है कि एक होनहार छात्र की हत्या से पूरा समाज आहत हुआ है। मायावती ने आगे यह भी कहा कि दलित छात्र की इस प्रकार की रंजक हत्या बीजेपी शासक में कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ऐसी दर्दनाक घटनाएं लगातार ही घटित हो रही हैं और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की संकीर्ण जातिवादी और नफरत की राजनीति पूरी तरह से दोषी है। मायावती ने कहा कि दिलीप सरोज नामक जिस छात्र की हत्या बेवजह खुलेआम कर दी गई है, जिसके परिवार की भरपाई किसी और रूप में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भी दोषियों को सख्त सजा देने के साथ साथ पीड़ित परिवार की भी मदद जरूर करनी चाहिए। समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है, हमारी सरकार या हमारा समाज, ये सोचने का विषय आज बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।